सैमसंग ने फाइनली एंड्रॉयड 14 बेस्ड वन यूआई 6 का स्टेबल वर्जन इंडिया के अंदर रिलीज कर दिया है। S23 सीरीज में ये पहली अपडेट आया है और इस वन यूआई 6 के स्टेबल वर्जन के अंदर ऐसे 5 मेन फीचर्स है जो कि चेंज हुआ है। हाँ, वैसे फीचर्स तो काफी सारे आया है, बट इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला चेंज कंट्रोल सेंटर के अंदर। अब सैमसंग ने पूरा कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे रीडिजाइन कर दिया है, जहाँ पे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले 2 टॉगल वाईफाई एंड ब्लूटूथ को सेपरेट कर दिया है और ब्राइटनेस स्लाइडर में आई कंफर्ट शील्ड और डार्क मोड को भी ऐड कर दिया है एंड इसके जस्ट नीचे स्मार्ट व्यू एंड डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन अभी आपको देखने को मिलता है और प्रीवियस यूआई की तरह इसे आप एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नाउ अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज की बात करूं तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर नोटिफिकेशंस में, फिर शॉर्ट नोटिफिकेशंस में एंड यहां पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक बाय प्रायोरिटी एंड दूसरा बाय टाइम। तो आपके स्मार्टफोन में आगे चल के जितने भी नोटिफिकेशंस आएगा, क्या आप उसे बाय टाइम देखना चाहते हो या फिर बाय प्रायोरिटी, ये आप चूज कर सकते हो। बाय प्रायोरिटी कैसे काम करेगा, सपोज कि आपके स्मार्टफोन में 10 नोटिफिकेशन आया है एंड आप जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आप कौन से नोटिफिकेशन को प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो एंड जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले ओपन करोगे वही आगे चल के आपको बाद में सबसे ज्यादा टॉप पे दिखेगा। नाउ नेक्स्ट चेंजेस की बात करूं तो ये लॉक स्क्रीन के अंदर है, इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर लॉक स्क्रीन में, देन लॉक स्क्रीन एडिट में एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर काफी सारे और नए नए एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब ये जो लॉक स्क्रीन एडिट है ये वन यूआई 5.1 के अंदर सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था, बट अभी वन यूआई 6 के अंदर इसे और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है एंड और भी आपको काफी सारे नए नए फीचर्स भी देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट चेंजेस की बात करूं तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो ब्लॉकर, ये आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, इसे आप अभी ऑन कर दो। वन यूआई 6 के अंदर सैमसंग ने फोन का जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है इसे और ज्यादा एनहेंस किया है एंड आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार मैसेज के अंदर सस्पिशियस लिंक्स आ जाता है। अगर आपने कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो उसके अंदर कोई मालवेयर हो सकता है या फिर आगे चल के अगर आप कोई भी अननोन कंप्यूटर पे अपना डेटा केबल को कनेक्ट करते हो अपने फोन के साथ तो ये चीज आपको रोकेगा। बट हाँ, इसका एक नुकसान है जो कि आपको ध्यान रखना है, इसे अगर आपने ऑन कर दिया तो आप प्ले स्टोर या फिर गैलेक्सी स्टोर के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी अननोन सोर्सेस से आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो आगे चल के अगर आप कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो एंड इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो एंड अगर आपका इंस्टॉल नहीं होता है तो इस वाले ऑप्शन को आपको फिर से ऑफ करना होगा। बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल करते हो तो इस वाले ऑप्शन को आप ऑन रखो एंड कोई भी थर्ड पार्टी अननोन सोर्सेस से एप्लीकेशन आप मत इंस्टॉल करो। एंड इंडिया में कई सारी एप्लीकेशन काम का तो है बट वो बैंड है, जैसे कि अगर मैं कैपकार्ट की बात करूं तो ये इंडिया में बैंड है बट प्ले स्टोर ऐप स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इन सारे एप्लीकेशन को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो थर्ड पार्टी कोई भी सोर्सेस से आप ना डाउनलोड करके आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी VPN को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड देन आप कैपकार्ट को सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट और आखिरी मेन चेंजेस की बात करूं तो ये कैमरा के अंदर किया है। अगर आपके स्मार्टफोन में एक हायर मेगापिक्सल का कोई भी सेंसर लगा हुआ है, जैसे कि S23 की बात करूं तो इसमें 50 मेगापिक्सल का है, तो फोन की कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते ही आप 12 एंड 50 में स्विच कर पाओगे आपस में बहुत ही इजीली। बाकी इस वीडियो का अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।